हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल गर्ली कर्ली में। मेरा नाम रश्मि है और आज मैं फिर से रक्षाबंधन का अपना मेकअप लुक लेके आई हुई हूँ। और इसके पहले भी मैंने एक रक्षाबंधन मेकअप लुक शेयर किया है, सो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। एंड बहुत ही सिंपल एंड क्विक एंड बहुत ही अच्छा क्रिएट हुआ था, सो उस टाइप का ही मैं एक लुक लेके आई हूँ, बहुत ही क्विक एंड बहुत ही अच्छा। और आज मैं बिल्कुल नेचुरली बैठी हूँ, यानी कि छत पे बैठी हुई हूँ, तो आप सुन रहे होंगे ठेली वाली की आवाज़ आ रही, चाट वाला है, तो जानते होंगे जो चाट के शौकीन होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं केवल यहाँ पे आज कंसीलर का यूज़ करूँगी, और ये मेबलिन फिटमी का कंसीलर है मेरे पास, जिसका शेड नेम है 10 लाइट। सो बहुत थोड़ा सा लेकर के सबसे पहले मैं अपने हैंड में लूँगी। ये देखिए, बहुत लिटिल, उस दिन भी मैंने बहुत लिटिल लिया था और आज भी मैंने मॉइस्चराइजर वगैरह कर रखा है। सो इसको लेकर के एंड अपनी आईज, सो आप देख रहे होंगे कि छत में है तो नेचुरल है, सो नेचुरल लाइट भी है एंड हवा भी नेचुरल ही है जो है, सो हल्की फुल्की स्वेटिंग भी हो रही है, सो इस वजह से। और सेट एंड इसको ही मैं फिंगर्स लेकर के और मिक्स कर लूंगी एंड मैं रक्षाबंधन की मेकअप लुक इसलिए बहुत सिंपल रख रही हूँ क्योंकि इस टाइप की लुक मोस्टली बहुत लोगों को पसंद आते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सारे लुक मेरे सिंपल ही होंगे, मैं कुछ प्रॉपर मेकअप की भी वीडियोस लाऊंगी जिसमें प्रॉपर मेकअप लुक होगा कंप्लीट। सो और काफी अच्छा कंसीलर है ये, और मिला लिया मैंने। दूसरी मिनट में जो थोड़ा बहुत आपको लाइट दिख रहा है वो अपने आप सेट हो जाएगा। अरे मेरी गली में ये चाट वाला बेटा मेरा बहुत खाता है इससे चाट, इसलिए वो आकर के यहीं टक 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 करता रहेगा जब तक वो निकल के बाहर नहीं आ जाएगा। एंड मैं आइस के लिए ये NK की प्लेट यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरा जो प्लेट है वो है बर्थडे केक, और साथ में इस पर एक वीडियो बना रखा है जो कि मैंने शेयर किया है, सब देखिएगा। एंड इसमें से मैं ये ग्रीन कलर ले रही हूँ, लाइट सा है, ग्रीन कलर बोलेंगे स्काई कलर पता नहीं, बट अच्छा लगेगा। तो मैं इसको लेकर के पूरी आईज में अपने इसको फिंगर से ही, और बहुत हल्का हल्का ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा लेना ही नहीं है, बहुत हल्का हल्का से ले करके। एंड ऐसा हो गया कि आज थोड़ा लेट हो गया मुझको वीडियो बनाने में, शाम हो गई, काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है, तो कुछ लोग छत पर भी आ रहे हैं तो देखिए पूरा बन पाता है वीडियो कि नहीं, ये भी मुझे नहीं पता है। सो ये देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है एंड इस साइज में भी बहुत थोड़ा सा ले करके, और ये देखिए मैंने पूरी आईज कवर नहीं की, मैंने ये कॉर्नर दोनों आईज में छोड़ा हुआ है। इसमें मैं ये जो डार्क ब्राउन कलर है ये इसको लेकर के बहुत लाइट सा लेकर के एंड इसको यहाँ पे सामने एक आंटी आ गई, वो भी देख रही हैं, वो लाइव देख रही हैं, आप रील देख रहे हैं। तो ये देखिए एंड दैट्स इट। एंड मैं यहाँ पे लाइनर यूज करूंगी जो कि मेरे पास रॉयल यार का है, और मैं आपको बता दूं मैं अपना मिरर लाना भूल गई हूँ, तो मैं कैमरे पे ही देख के, और कैमरा मेरा मोबाइल है तो पता नहीं कैसा लाइनर लगेगा, मुझे पता भी नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगी कि सही लग जाए। सो
उसको बहुत हल्का से ले करके एंड एंड कुल मिला के ठीक ही लग गया है। इसके बाद तो ये मेरे पास लैक्मे की ग्रीन काजल है जो कि मैं नीचे भी इसको लगा रही हूँ और इसको मैं हाफ लिड में ही लगाऊंगी। एंड ये इतने क्रीमी है कि अगर आप थोड़ा सा भी इसको हार्डली प्रेस करते हो तो ये इसकी जो टिप होती है वो टूट जाती है। तो बहुत ही लाइट सा निकल जाओ, आ जाओ। कम नहीं आगे वीडियो में नीचे रुक नहीं रहे। बीच बीच में पसीनों में पोंछना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा है। एंड ब्लश के लिए मैं यहाँ पे लॉरियल का लिक्विड लिपस्टिक इसको यूज़ कर रही हूँ। मेरा शेड है 1:1 आई चूज और बहुत प्यारा कलर है और ब्लश के लिए भी बहुत प्यारा है। That's it. And यहाँ पे मैं ये हाईलाइटर मेबलिन का ये मास्टर स्क्रबिंग क्रीम है सो एज अ हाईलाइटर इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको मैंने अभी तक फुल फेस में यूज़ नहीं किया है, देखूँगी कभी फुल फेस में यूज़ करके ये किस टाइप से काम करता है। तो मैंने अभी तक इसको एज अ हाईलाइटर यूज़ किया हुआ है सो मुझे पता भी नहीं है ये। और ये एक्चुअली में वेदर ऐसा होता है कि जितने कम आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है क्योंकि बहुत चिपचिपा टाइप से होता है। तो और रक्षाबंधन का हमारा जो ओकेज़न होता है वो जाहिर सी बात है दिन का ही होता है सो बहुत ज़्यादा फिर अगर आप हैवी मेकअप करेंगे सो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड लिप कलर मैंने पहले से यूज़ कर रखा था सो मैं बता दूँ ये मैंने शुगर की जो मेरी लिपस्टिक्स आती हैं वो मैंने यूज़ करी हैं और इसका एक मैंने फुल वीडियो भी बना रखा है शुगर का सो आप बिल्कुल जा करके देख सकते हो। उन्हीं में से एक है और मैं आपको नंबर बता देती हूँ मैंने कौन सा यूज़ किया। ये है शुगर 12 डॉन फेम, बहुत प्यारा सा लिप कलर है। बस ये है कि अल्ट्रा मैट है और इस वेदर के लिए बेस्ट है। सो दिस इज माई मेकअप लुक एंड हेयर स्टाइल मैंने कुछ भी नहीं कर रखी, सिंपल सी चोटी कर रखी है। सो वही है, आप कोई सा भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। ये रहा मेरा मेकअप लुक और ये बिल्कुल नेचुरल लाइट में है, कुछ भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं। आपको सोच रहे हैं एक फ़ैन तक नहीं चल रहा तभी मुझे स्वेटिंग आ रही है, तब भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है क्योंकि मौसम अच्छा है कुल मिलाकर के। सो इस टाइप के लुक्स आप देख रहे हैं नेचुरल लाइट में भी कितने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सिंपल एंड क्विक एंड बहुत ही स्मार्ट एंड बहुत ही अच्छे। आप इसको सूट में, साड़ी में, टॉप में, किसी में भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये रहा एंड ये जो सूट है ये मैंने मिंत्रा से लिया था, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इनका लिंक देने की कोशिश करूँगी। एंड दिस इज़ माई कम्प्लीट मेकअप लुक फॉर दिस रक्षाबंधन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई।